यूपी के ग्रेटर नोएडा में कारों का मेला शुरू हो गया है। ऑटो एक्सपो 2018 के पहले दिन कई कंपनियों ने अपनी कारों को लॉन्च किया। ये ऑटो एक्सपो का 14वां शो है। यह 14 फरवरी तक चलेगा। यह आम लोगों के लिए 9 फरवरी से शुरू होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ऑटो एक्सपो में 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से पर्दा उठाया जा रहा है। महिंद्रा ने फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी के तहत Z4 रेक्सटन को भारत में लॉन्च कर दिया। महिंद्रा ने अपनी पहली कन्वर्टेबल SUV भी पेश कर दी है। उधर टोयोटा यारिस को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। टाटा ने भी अपने फ्यूचर की SUV को पेश कर दिया। इसके अलावा एक प्रीमियम हैचबैक को भी पेश किया गया है। हुंडई ने भी अपनी i20 का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। पीएजीओ ने भी अपना पहला इलेक्ट्रिकल स्कूटर वेस्पा इलेक्ट्रिका पेश किया है। मारुति सुजुकी ने भी अपनी कॉन्सेप्ट फ्यूचर S को इस ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया है।